हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि NHM ने जो CHO की एग्ज़ाम ली थी उसकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट क्लियर का नोटिफिकेशन डाल दिया है कि और करीबन 427 लोगों को लिया है। तो देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अलॉट हुआ है और उनको जल्दी से ज्वाइन करना है। तो एक बार मैं आपको बताऊंगा कि किनका किनका हुआ है और किनका नहीं हुआ है। तो आप एक बार MP ऑनलाइन पर जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम MP ऑनलाइन की साइट पर जा रहे हैं, देखते हैं किनका किनका हुआ है और क्या नोटिफिकेशन आया है आज। देखते हैं, MP ऑनलाइन पर जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम MP ऑनलाइन की साइट पर आ गए हैं और देखते हैं कि आज क्या है नोटिफिकेशन। देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेटर एडमिशन फर्स्ट वेटिंग राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, ये आज ही आया है दोस्तों। तो देखते हैं क्या है आज इसमें, क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं यहाँ पे इसको। डाउनलोडिंग, डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। डाउनलोड हो गया है, देख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका 9 से 11 तक सबसे पहले उन्हें एडमिशन लिए थे। उसके पश्चात उपरोक्त प्रवेश पश्चात रिक्त 882 रिक्त पद रह गए थे, उसमें से मेरिट के आधार पर प्राप्तांकों के आधार पर 427 कैंडिडेट को उन्हें लिया है। और जो 427 कैंडिडेट लिए हैं उनको 27 28 जनवरी को 10 बजे से 5 बजे तक इनको प्रवेश लेना है दोस्तों। और प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो सेम टू सेम है वैसे ही, कि आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा और आपको DD बनवाना पड़ेगा 1500 का। सबसे पहले हम इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किनका किनका हुआ है, उनको देखते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं क्या है। ये फॉर्म भी दे रखा है उन्हें, पूरा फॉर्म दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं आवश्यक सूचना में, आवश्यक सूचना में क्या है दोस्तों, उन्हें आवश्यक सूचना दे रखी है कि हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के 6 माह के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता कार्य आवेदकों की ऑनलाइन परीक्षा के सर्वप्रथम जून 2019 के 490 अभ्यर्थियों एवं 6 सीटों पर 1320 के नए अभ्यर्थियों को प्रोग्राम स्टडी सेंटर आवंटित किया गया है। इस संबंध में प्रशासकीय, इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट लिस्ट पे जाते हैं। ये लिस्ट पे आ गए हैं हम यहाँ पे कि किनका किनका हुआ है। फर्स्ट रैंक इनको, मतलब इनको मिला है, इनकी रैंक 42 रैंक थी और इनका नाम है राम कन्या। और इनको कॉलेज नर्सिंग मिला, वहाँ पे इंदौर मिला हुआ है, ये जनरल से हैं। और सेकंड पे हैं नेहा सोलंकी जी, इनकी रैंक थी 129। और इनको मिला है जबलपुर, ये भी जनरल से हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों, सबका वो अधिकतर का हो गया है वैसे क्लियर वेटिंग तो। और ये फर्स्ट वेटिंग क्लियर है दोस्तों, और उन्हें जनरल के टोटल कैंडिडेट लिए हैं यहाँ पे, उन्हें जनरल के टोटल कैंडिडेट कितने लिए हैं यहाँ देख सकते हैं हम, कि जो जनरल के कैंडिडेट थे 107 लिए हैं, मतलब 160 कैंडिडेट लिए हैं। और ये OBC के हैं, ये OBC के कैंडिडेट हैं, SC के भी हैं, सबके मतलब इन्हें। तो आप यहाँ से डाउनलोड करिएगा और अपने अपना नाम देखिएगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एडमिशन लीजिएगा। 25 28 और कौन कौन सी डेट दे रखी है, 25 28 और
25, 27, 28 ये तीन डेट दे रखी है आपको, इसमें एडमिशन लेना है दोस्तों। और आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी, ओरिजिनल ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, और उनकी फोटोकॉपी ले जाना है, आपकी 10th मार्कशीट ले जाना है, रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो ले जाना है, नवीन पासपोर्ट ले जाना है, 500 के स्टाम्प पे आपको 2 लाख का अनुबंध बनवाना पड़ेगा वो ले जाना पड़ेगा, और आपका कैटेगरी का ले जाना पड़ेगा, मूल निवासी का ले जाना पड़ेगा, फिटनेस बनवाना पड़ेगा आपको। यदि कोई स्टाफ नर्स पहले से संविदा पर है काम कर रहे हैं तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। आपको दोस्तों DD बनवाना पड़ेगा 15,000 का, और ये इग्नू भोपाल और इग्नू जबलपुर के नाम से बनवाना पड़ेगा। और आपको प्रवेश पश्चात अगर आप 28 तक चले जाते हैं, 28 जनवरी तक जाते हैं, तो 28 जनवरी के बाद आपको जो 19 जनवरी को प्रातः मतलब जो 9 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको 19 जनवरी को वहाँ पे, सॉरी 29 जनवरी को, सॉरी 29 जनवरी को आपको और ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना नाम चेक करिएगा, और जिनका हो वेटिंग क्लियर हुई है और जिनका हुआ है उनको कंग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, अपना नाम चेक करिएगा एक बार फिर से। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितनी जल्दी जैसे भी न्यूज़ आती है मैं आपको सबसे पहले मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, तो आप लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।